बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी के सबसे महान चित्रकार के नाम से मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो के बारे में। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के पोर्ट सिटी मलागा में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉन जोस रुइस ब्लास्को था, जो एक आर्ट्स टीचर थे और पेंटिंग की बुनियादी बातें उन्होंने अपने पिता से ही सीखी थी। उनकी माँ का नाम मारिया पिकासो लोपेस था। इनका परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था और पाब्लो अपने माता पिता की पहली संतान थे। इनके पिता का ये मानना था कि एक चित्रकार को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण लेना जरूरी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने बेटे को 16 साल की उम्र में मैड्रिड भेज दिया, पर वहाँ के आर्ट्स स्कूल के सख्त उसूलों से तंग आकर उन्होंने वो आर्ट्स स्कूल छोड़ दिया। मैड्रिड से वापस लौटने के बाद उन्हें कला का केंद्र माने जाने वाले शहर पेरिस भेज दिया गया, जहां वो एक चित्रकार के तौर पर निखरते चले गए। और वहां से लौटने के बाद वो अपनी कल्पना को पेंटिंग के रूप में उकेरने लगे। उन्होंने क्यूबिज्म, नियो क्लासिसिज्म, सररियलिज्म आदि पर आधारित पेंटिंग्स बनाए। पिकासो के काम को कई कालों में वर्गीकृत किया गया है। सभी जानकार लोगों की सहमति से उनके काम को ब्लू पीरियड, द रोज पीरियड, द अफ्रीकन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड, एनालिटिक क्यूबिज्म और सिंथेटिक क्यूबिज्म में बांटा गया है। पिकासो के करियर में साल 1904 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इसी दरमियान उन्होंने सितार बजाने वालों, मस्खरों, कलाबाजी दिखाने वालों आदि की तस्वीरें बनाई। फिर 2006 में पिकासो ने अपनी मशहूर पेंटिंग एविन्योन की औरतें बनाना शुरू की और इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें लगभग एक साल का वक्त लग गया। घन शैली की पेंटिंग में अलग अलग रंगों से रेखाएं बनाई जाती हैं। साल 1909 के आसपास पिकासो इसी शैली में काम कर रहे थे। शुरू में दूसरे कलाकार उनकी इस शैली की काफी आलोचना करते थे, पर आगे चलकर इस शैली ने दुनिया के दूसरे कई बड़े कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित किया और वो भी इसी शैली को अपनाने में अपनी रुचि दिखाने लगे। पिकासो ने औरतों से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें बनाई, जिन्हें यूनानी देवताओं की मूर्तियों का सूचक माना गया। इनमें से कुछ तस्वीरों ने काफी विवाद खड़ा किया। पिकासो खुले विचारों वाले इंसान थे और उन्हें अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था और उन्हें अन्याय तथा अत्याचार से सख्त नफरत थी। नाजी हमलावरों ने जब 1937 में स्पेन की फौज पर बमबारी की और इस हमले की वजह से स्पेन में लाखों लोगों की मौत हुई, इस वजह से उनका मन दुखी और नाराज था। अपनी नाराजगी को जताने के लिए उन्होंने नाजी हमलावरों के खिलाफ ग्वेर्निका नामक एक विशालकाय पेंटिंग बनाई। उनके इसी विरोध के कारण उन्हें स्पेन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जब उन्होंने अपना देश छोड़ा तो उस दरमियान रहने के लिए उनके पास घर नहीं था, मगर अपने काम से उनकी मोहब्बत और डेडिकेशन देखिए कि उस दरमियान भी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स पर काम करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के जरिए अच्छा खासा पैसा कमाया, पर उनकी पेंटिंग्स की कीमत उस वक्त वो नहीं थी जो आज है। इन सब के बावजूद भी वो अपने वक्त के सबसे महंगे कलाकार थे। पिकासो का जन्म ही महान चित्रकार बनने के लिए हुआ था। इसका पता इस बात से चलता है कि उनकी माँ के अनुसार बचपन में उनके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द ही पेंसिल था। पिकासो की बड़ी कामयाबी उनके स्कूल के टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि पिकासो ने 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। इसके पीछे की अहम वजह ये थी कि पढ़ने लिखने में उन्हें परेशानी होती थी और वो वर्णमाला के अक्षर भी ठीक से याद नहीं रख पाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त नाजियों ने पेरिस को अपने कब्जे में ले लिया था। पिकासो के पेरिस वाले अपार्टमेंट में एक दिन खुफिया गेस्टापो पुलिस वाले आ पहुंचे। उन्होंने कमरे के दीवार के सहारे खड़ी पेंटिंग ग्वेर्निका को देखा, जिसमें स्पैनिश गृह युद्ध के दरमियान जर्मन लड़ाकू विमानों द्वारा बास्क राजधानी पर बमबारी का चित्रण किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने ग्वेर्निका को देखकर पिकासो से पूछा, ये तुम्हारा काम है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये तुम्हारा काम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पिकासो के चित्र ऊंची कीमत पर बिक रहे थे। एक धनी अमेरिकी महिला पिकासो के स्टूडियो में चित्र खरीदने के लिए आई। एक अमूर्त पेंटिंग को देखकर उसने पिकासो से पूछा, यह पेंटिंग क्या दिखाती है? पिकासो ने जवाब दिया, $2,00,000। पिकासो के दक्षिणी फ्रांस वाले भवन में
आने वाले मेहमान यह देखकर चौंक जाते थे कि भवन में कहीं भी किसी भी दीवार पर पिकासो के चित्र नहीं लगे थे। किसी ने एक बार इस बारे में पिकासो से पूछा, कमाल है, आपके घर में आप ही के बनाए चित्र नहीं हैं, क्या आपको अपने बनाए चित्र अच्छे नहीं लगते? पिकासो ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरे चित्र बहुत प्रिय हैं, लेकिन मैं उन्हें खरीदने की हैसियत नहीं रखता। एक बार किसी प्रदर्शनी में पिकासो से एक औरत ने कहा, मेरी बेटी भी आपकी तरह तस्वीरें बना सकती है। पिकासो ने कहा, मुबारक हो, आपकी बेटी तो जीनियस है। एक बार किसी ने पिकासो से पूछा कि उनकी सबसे प्रिय पेंटिंग कौन सी है। उन्होंने जवाब दिया, अगली। हम उम्मीद करते हैं कि पिकासो के जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। पेंटिंग की कला को एक नया आयाम देने वाले 20वीं शताब्दी के इस महान कलाकार का 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।